देखिए मैं प्रोब नहीं कर रहा था, मैं इंटरव्यू के लिए नहीं गया था, मैं इन्वेस्टिगेटिव अथॉरिटी नहीं था, तो मैंने कुछ सवाल नहीं पूछे। समझो फर्ज कीजिए अल्कोहल था तो था, बहुत सी लड़कियां, बहुत सी औरतें, बहुत से आदमी, बहुत से लड़के अल्कोहल लेते हैं, उसमें कोई गैर कानूनी काम नहीं है। तो मैंने वो बात पूछी नहीं, जैसा मैंने कहा ये होते होते बात हो गई, एंड वो बोलते बोलते एक्चुअली दो तीन जगह पर मुझे बात बताई। पहले मैं सेलिब्रेशन क्लब, सेलिब्रेशन स्पोर्ट्स क्लब, जहां पर 28 तारीख को उनकी बॉडी रखी गई थी सबके दर्शन के लिए, सबसे पहले मैं बोनी कपूर को वहां पर मिला, तो वहां पर कुछ बातें हुई। उसके बाद फ्यूनरल के बाद रात को मैंने फ़ोन पर बात की, वहाँ पर कंटिन्यू किया। एक होता ना एक दोस्त को आप कहते हैं तो फिर मैंने बोला और क्या, फिर क्या, फिर क्या, तो जहाँ पहले बात छोड़ी थी वहीं से वापस रात को बात शुरू हुई, जहाँ रात को बात छोड़ी अगले कॉन्वर्सेशन में वहाँ से पिकअप करके, तो जो धागे लूज थे वो उठाकर वहीं से कंटिन्यू करके, तो ये 3-4-5 टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशन में पूरी कहानी मुझे समझ में आई, और वो मैंने मेरे मैगजीन में भी लिखी, फिल्म इंफॉर्मेशन मेरी जो ट्रेड पत्रिका है, और ब्लॉग में भी लिखा। तो मैंने ज्यादा प्रोब नहीं किया, ऐसा नहीं कि मैं इन्वेस्टिगेट करने बैठा हूं, मैं तो ये इंटरव्यू कहना भी गलत होगा।